नमीबिया से इंडिया लाए गए 8 चीतास को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। कभी चीतास का घर रहे इंडिया में इंडिपेंडेंस के वक्त ही चीतास पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। 1947 में देश के आखिरी 3 चीतास का हंटिंग मध्य प्रदेश के कोरिया रियासत के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव ने गांव के लोगों के बचाव के लिए किया था, जिसका पिक्चर आज भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में दिखेगा। और उस दिन के बाद से इंडिया में कभी भी चीतास नहीं दिखे। और अब 75 ईयर्स के बाद 8 चीतों को नमीबिया से स्पेशल एरोप्लेन में लाया गया है। 12th सेंचुरी के सांस्कृत रिपोर्ट्स मंसोलिसा में सबसे पहले चीतास का जिक्र है। इसे 1127 से 1138 के बीच रूल करने वाले कल्याणी चालुक्य रूलर सोमेश्वरा III ने तैयार करवाया था। कहा जाता है कि चीता वर्ड संस्कृत के चित्रक वर्ड से आया है, जिसका अर्थ चीटीदार होता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व उपाध्यक्ष दिव्य भानु सिंह से लिखी द एंड ऑफ ए ट्रॉल द चीता इन इंडिया बुक में बताया गया कि अलग अलग राजाओं के रूलिंग में चीतास की मौजूदगी देखी गई है। कहा जाता है कि 1556 से 1605 तक अकबर रूलिंग पीरियड में इंडिया में 10,000 से भी ज़्यादा चीते थे, जिनका इस्तेमाल हंटिंग के लिए होता था। अकबर के बेटे जहांगीर ने पाला एरिया में चीते के मदद से 400 से भी अधिक हिरणों का हंट किया था। उन दिनों में हंटिंग के लिए राजा चीतों को कैद करते थे। एक तरह से कुत्ते, बिल्ली, गाय और अन्य पालतू जानवरों की तरह चीतों को राजा पालते थे। इसके चलते इनके रिप्रोडक्शन रेट कम हुआ और पॉपुलेशन घटती चली गई। 20th सेंचुरी की शुरुआत तक इंडिया में चीतों की पॉपुलेशन हंड्रेड्स में रह गई और राजकुमारों ने अफ्रीकन एनिमल्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश रूलिंग के दौरान चीतों का ही हंटिंग होने लगा। 1608 में ओरछा के महाराज राजवीर सिंह देव के पास वाइट चीते थे, जिनके शरीर पर ब्लू स्ट्रिप्स थे। इस तरह का ये इकलौता चीता बताया जाता था। बाद में राजाओं और ब्रिटिशर्स के शौक ने चीतों को मार डाला। ब्रिटिशर्स चीतों के शावकों को मारने पर 6 रुपये और यंग चीतों को मारने पर 12 रुपये का इनाम देते थे। बताया जाता है कि इंडिया के आखिरी 3 चीतास मध्य प्रदेश रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह से मारे गए, जिसके बाद इंडिया में कभी भी चीते नहीं दिखे। मध्य प्रदेश के और एक राजा रामानुज शरण सिंह देव ने भी करीब 1200 से ज़्यादा शेरों का हंट किया था। 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली देश से चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की थी। अब नमीबिया से लाए गए 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर है, जो 2.5 साल से 5.5 साल के बीच के उम्र के हैं। और सिर्फ एक चीता 12 साल एज का बताया गया है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.